नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू नया रास्ता चैप्टर नंबर 14, 14। तो लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 13 में देखा था कि मीनू और माया, उनकी परीक्षाएं हो गई हैं, उनके सारे पेपर्स हो गए हैं, वो अपने अपने घर के लिए निकले हैं। तो मीनू आ जाती है वापस अपने घर। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 14 में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो डू सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग। मीनू जब अपने घर पहुंची तो पिताजी उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। पूर्ण रूप से स्वस्थ, हमें पता है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब थी जिसके कारण उसे बीच में ही आना पड़ा था कुछ दिन के लिए, पर अब उसके पिताजी बहुत अच्छे हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, मीन्स अब अपने काम पर भी जाने लगे हैं। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। माँ ने तो मीनू को अपने सीने से लगा लिया। आशा और रोहित, आशा और रोहित कौन है? आशा और रोहित मीनू के भाई बहन हैं। रोहित उसका भाई है और आशा कौन है? आशा मीनू की छोटी बहन है। वे भी खुशी से झूम उठे। दीदी दीदी कहकर उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी की हुई बातें, मतलब मीनू दूर रहती है वकालत के लिए, हॉस्टल में रहती है, तो इतने दिन से जो भी बातें हो रही थी वो सारी इकट्ठी वे लोग अपनी बड़ी बहन को बताने लगे। मीनू भी प्रसन्नता पूर्वक हैप्पीली उनकी बातें सुनती रही। तभी माँ को ध्यान आया कि मीनू से उसकी परीक्षा के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, मतलब पेपर्स कैसे गए, क्या किया वगैरह। वह मीनू के पास आई और बोली, मीनू बेटी तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं? तुमसे मिलने की खुशी में ये पूछना तो भूल ही गई थी। माँ मेरे पेपर अच्छे हो गए। किसने कहा? मीनू ने कहा। किससे कहा? अपनी माँ से। और बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा। व्हाट इज परीक्षा फल? परीक्षा फल मीन्स परीक्षा का फल, दैट इज एग्जाम का रिजल्ट। मतलब पेपर्स तो अच्छे गए, बाकी तो रिजल्ट से पता ही चल जाएगा, ज्ञात होना पता चलना। ठीक है बेटा, अच्छा है, तो प्रथम श्रेणी में ही पास हो जाओ, फर्स्ट क्लास। अभी तक तो हमेशा प्रथम ही आई हो, माँ ने बड़े विश्वास के साथ कहा, बहुत ही कॉन्फिडेंस से। क्यों? क्योंकि मीनू हमेशा हर परीक्षा में फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास होती थी। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य, मेरा गोल इस जीवन में कुछ बनने का है। और माँ आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। प्रेरणा मतलब लाइफ में कुछ करने के लिए आप इंस्पायर करते हो मुझे। हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ तो रहता ही है, पर बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम, हार्डवर्किंग और डिवोशन, जितने डिवोटेड रहोगे उतना ही आपको सफलता मिलती है। तो बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम भी उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होती है। मार्ग प्रशस्त करना मतलब, मार्ग मतलब द पाथ, कौन सा पाथ? पाथ टुवर्ड्स द सक्सेस, वो कैसे मिलता है? अपने लगन और परिश्रम से। यह कहकर माँ बाहर चली गई। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी एक साप्ताहिक, सप्ताह मतलब एक सप्ताह, अ वीक, तो साप्ताहिक मतलब वीकली मैगजीन, साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही थी। पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया, क्यों किया, उनका क्या उद्देश्य था, उन्होंने उस मीनू से क्या कहा? वह उसके पास आकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए, कुर्सी चेयर पर बैठे, और उन्होंने मीनू से कहा, मीनू बेटी परसों तुम्हारी, परसों मीन्स डे बिफोर यस्टरडे, तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है। बुआ जी, बुआ जी वही है मतलब अपने पिता की सिस्टर, अपने फादर डैड की सिस्टर, उनको बुआ जी कहते हैं। बुआ जी जो उनसे मिलने आई थी जब मीनू के पिता बीमार हो गए थे। उन्होंने इसमें एक लड़के के विषय में बताया है। किसका पत्र आया था? मीनू की बुआ जी का पत्र आया था। पत्र में क्या कहा था? पत्र में एक लड़के के विषय में, एक लड़के के विषय में बताया था। लड़का कौन था? वह दिल्ली में इंजीनियर है। क्या करता है? 3,000 रुपये महीना पा रहा है। यदि तुम, मतलब एक प्रपोजल आया था किसके लिए? मीनू के लिए, शादी के लिए। बुआ ने कहीं तो एक लड़का देखा था, लड़का दिल्ली में इंजीनियर है, महीने में 3,000 रुपये कमा रहा है, उस विषय में पत्र आया था।
पिताजी अभी वाक्य पूरा भी ना कर पाए थे कि मीनू बोल पड़ी, पिताजी मैंने आपसे पहले भी कह रखा कि मैं अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शादी नहीं करूंगी, मतलब अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वकालत का फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हो रहा है एंड मैं अभी बीच में शादी नहीं करूंगी। बेटी यह बात तो ठीक है परंतु लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं, मतलब प्रपोजल बहुत अच्छा है। यदि लड़का बहुत अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए, आशा देखने में भी सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए। कौन कह रहा है? मीनू कह रही है, अपने पिता से कह रही है। किसके लिए बात चलाने के लिए कह रही है? मीनू अपनी छोटी बहन आशा के लिए बात चलाने के लिए कह रही है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं कि आशा कौन है? आशा कौन है हमें पता है, आशा कौन है? मीनू की छोटी बहन। मीनू बेटी हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है ऐसा करने के लिए, गवाही नहीं दे रहा है मतलब हमारा दिल हमारा मन नहीं मान रहा है कि हम किस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा है, तो अपनी बड़ी बेटी की शादी ना करके अपनी छोटी बेटी की शादी करवाने के लिए दयाराम जी, दयाराम जी कौन? मीनू के पिताजी, उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे कहने से आप आशा के लिए वहां शादी की बात चला दीजिए, ईश्वर ने चाहा तो वहां बात पक्की हो ही जाएगी, मीनू ने बड़े विश्वास के साथ कहा। तो मीनू ने अपने पिता को कन्विंस कर रही है कि आप मेरी नहीं आशा की शादी की बात चला दीजिए। इतने में ही माँ भी रसोई घर से कमरे में आ गई, रसोई घर किचन से कमरा जहां ये बात कर रहे थे वहां के बैठे, उन्होंने भी मीनू की बात का समर्थन एग्री किया, करते हुए कहा कि उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात कर लीजिए। सबकी सलाह से पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली गए, रिश्ता लेकर मतलब आशा की शादी, उसकी बुआ ने जिस लड़के को देखा था उसके घर पे जाके आशा का रिश्ता ले गए, उसका प्रपोजल लेकर गए थे। लड़का देखने में अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने आशा का फोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी। मांग के नाम पर मींस मांग मींस डाउरी, डाउरी या डिमांड्स, मांग मींस डिमांड्स। डिमांड्स क्या थी उनकी? उनको पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए था, उनको एक सुंदर लड़की चाहिए थी। आशा को उनको कैसी लड़की चाहिए थी? सुंदर लड़की चाहिए थी। आशा को दिखाने की तिथि डेट फिक्स हो गई थी। आशा देखने में तो सुंदर तो थी ही, साड़ी पहनकर जब उसने छोटी सी बिंदी, आशा किस तरह से तैयार हुई थी, दिखने में आशा सुंदर थी, साड़ी पहनकर उसने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर सजाई तो उसका रूप और अधिक निखर गया था। आशा को देखने के लिए कौन कौन आए थे? आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक। तो आशा का रिश्ता जहां तय होने वाला था उस लड़के का नाम क्या था? आलोक। आलोक कौन था? इंजीनियर था। उसके घर में कौन कौन थे या आशा को देखने के लिए कौन कौन आए थे? तो आशा को देखने के लिए आलोक, उसकी मम्मी, उसके पापा व उसकी बड़ी भाभी आए थे। बड़ी भाभी मतलब बड़े भाई की वाइफ। आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा ही चमक रही थी और सब लोग उसे देखने जो आए थे साधारण रूप रंग के थे, इसलिए उसे नापसंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। इससे आप क्या समझते? भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो आशा को देखने के लिए जो लोग आए थे वे सब लोग लुक्स में कैसे थे? लुक्स में वो लोग साधारण रंग रूप के थे। तो उस समय आशा ही सबसे सुंदर दिख रही थी, वह चमक रही थी, इसलिए उसे नापसंद करने का, नापसंद डिसलाइक करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। इन शॉर्ट उन्हें आशा पसंद आ गई थी, आशा का रिश्ता पक्का हो गया था, लड़के वालों को यह बात बता दी गई थी। लड़के वालों को मीनू के बारे में क्या बात बताई थी? दिस इज द आंसर। लड़के वालों को यह बात बता दी गई थी कि इसकी बड़ी बहन की अभी शादी नहीं हुई है क्योंकि वह अभी वकालत पढ़ रही है। ओके, तो हो गया ये आंसर, वकालत पढ़ रही है करके उसकी शादी नहीं हुई है। तो उन्होंने मीनू के बारे में कोई बात छुपाई नहीं, सच सच बता दिया था। आशा की शादी की तिथि पंडितों ने 4 महीने बाद की सुझाई, 4 मंथ्स के बाद आशा का
आशा की शादी डिसाइड हुई थी। अब घर में सब उसकी तैयारियों में लग गए थे। ओके, रविवार का दिन था। मीनू टेलीविजन टीवी पर कार्यक्रम देख रही थी, कार्यक्रम कोई प्रोग्राम देख रही थी कि नीलिमा के भाई का नाम क्या है, यस अशोक, ने उसे आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और उसे याद कर रही है। मतलब नीलिमा अपने ससुराल से आई है, कहाँ आई है, अपने मायके में आई है। ये बात अशोक आया है किसे बुलाने के लिए, मीनू को बुलाने के लिए। नीलिमा का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठी, खुश हो गई। वह अपनी प्रिय सखी, अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए बेचैन हो गई थी, बेचैन, रेस्टलेस। इस समय माँ घर में नहीं थी। किसकी माँ घर पे नहीं थी? मीनू की माँ घर पर नहीं थी, पड़ोस में किसी के घर गई थी, इसलिए उस समय उसका जाना संभव नहीं था, तो मीनू अपनी फ्रेंड से मिलने नहीं जा पाई। माँ के घर आते ही उसने बताया कि आज कल नीलिमा ससुराल से आई हुई है, मतलब कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई है, ससुराल से मायके रहने आई हुई है। तो वो माँ से आज्ञा परमिशन लेकर वह नीलिमा के घर अपनी फ्रेंड से मिलने चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, खुश हो गई। वह मीनू से बोली, मीनू चलो कमरे में चलते, आराम से बैठकर बातें करते। तो दोनों सहेलियां बातें कर रही है, वे दोनों कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा मतलब नॉट सैड बट एक थकान सा जो चेहरा होता है, टायर्ड हो के जो फेस होता है, दैट काइंड ऑफ द फेस उसका दिख रहा था। तो उतरा हुआ चेहरा देखकर मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है भाई, आजकल कुछ कमजोर सी नजर आ रही हो, कमजोर वीक लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, परंतु मुझे उल्टियों ने परेशान कर दिया है। उल्टियां, एक्सेसिव वॉमिटिंग या जस्ट वॉमिटिंग? ओह अच्छा, यह तो आप खुशखबरी सुनाने जा रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मीनू ने हंसते हुए कहा। इतने में ही अशोक ने कमरे में प्रवेश किया। ओके, दैट मीन्स कि मीनू ने खुशखबरी सुनाने की बात की, तो खुशखबरी कौन सी खुशखबरी सुनाने जा रही है? नीलिमा प्रेग्नेंट है, वह खुशखबरी सुनाने की बात मीनू कर रही है। इतने में ही अशोक नीलिमा का भाई, उसने कमरे में प्रवेश किया। वह भी उन दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। ओके, मीनू अशोक से बातें करने में हमेशा लज्जा शाय अनुभव करती थी, परंतु आज वह उससे भी घुलमिल कर बातें कर रही थी। क्यों? क्योंकि हॉस्टल में रहने पर उसका संकोच, वो जो हेजिटेट करती थी, वह स्वयं ही कम हो गया था। मतलब अब वह ज्यादा कॉन्फिडेंट हुई जा रही थी, दैट मीन्स। तो वह अब अच्छे से अशोक से बातें कर पा रही थी विदाउट एनी संकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन। कुछ देर बातें करके अशोक वहां से उठकर चला गया। नीलिमा को ज्यादा देर बैठने पर थकान होने लगी थी। नीलिमा को ज्यादा देर बैठने पर थकान क्यों हो रही थी? क्योंकि आजकल उसे कमजोरी सी महसूस हो रही थी, इसलिए वह पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू भी उसी के पास बैठ गई और वे दोनों फिर बातें करने लगे। तभी नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछा, मीनू तू शादी नहीं कर रही है अभी? मैंने सुना है कि आशा का रिश्ता तय हो गया है। हाँ नीलिमा, आशा का रिश्ता हो गया है, लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है, पर मीनू तो अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है, नीलिमा ने पूछा। नीलिमा, अब मैं कुछ निराश सी हो गई हूँ, कौन करेगा मुझसे शादी? ओके, तो क्वेश्चन कैन बी फ्रेम, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अब मैं कुछ निराश सी हो गई हूँ, मतलब अब मैं थोड़ी निराश हो रही हूँ, मतलब खुश भी नहीं हूँ, कौन करेगा मुझसे शादी? ऐसा मीनू ने क्यों कहा? ऐसा मीनू ने इसलिए कहा क्योंकि हम वही सारे आंसर लिखेंगे कि अतीत में मीनू को काफी लड़कों ने ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि वो सांवले रंग की थी, कद भी थोड़ा छोटा था, बाहरी सौंदर्य के कारण उसे कई लड़कों ने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ऐसे तो उसने एमए किया था, सो ऑल दैट विल बी द आंसर। तो अब उसे मीनू को थोड़ा सा निराशा फील हो रही है और इसलिए वो कह रही है कि कौन करेगा मुझसे शादी। ओके, क्या बात करती है मीनू, मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं। तो हमने पहले भी देखा है कि अशोक कुछ इंटरेस्टेड
दिखते हैं किस में, मीनू में हमेशा अच्छे से बातें करते हैं, यही बात उसकी दोस्त नीलिमा भी कह रही है। यह बात सुनकर मीनू के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी झलकी। मुस्कुराते हुए वो बोली, चल कोई तो है अपनी प्रशंसा करने वाला भी। तो मीनू हंसते हुए अपनी दोस्त से कहती है कि चलो मेरी तारीफ करने वाला भी तो कोई है। मीनू मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तू तैयार हो जा, तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी, नीलिमा ने बड़े विश्वास से कहा। नीलिमा ने किस बात के लिए मीनू पे जोर दे रही थी? आंसर, नीलिमा शादी के लिए मीनू पे जोर दे रही थी और वह कहीं ना कहीं ये भी कह रही थी कि उसके अशोक भैया उसे पसंद करते हैं और अगर वो तैयार हो जाए तो वो अशोक भैया से उसकी शादी करवा देगी। नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। देख नीलिमा, अभी शादी क्यों नहीं करना चाहती? आंसर, देख मैं वकालत पढ़ रही हूँ, अभी सिर्फ एक ही साल पूरा हुआ है। जिस लक्ष्य, जो गोल मैंने सोचा है, जिस लक्ष्य को लेकर चली हूँ उसे पूरा होने दे, उसके बाद ही शादी के लिए सोचूंगी। तो नीलिमा अभी वकालत की पढ़ाई कर रही है, उसे जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करके बन के दिखाना है, इसलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह अभी शादी नहीं करना चाहती। मीनू, तू शादी के बाद भी पढ़ सकती है। नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन व मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। लगन व मेहनत बताया है, हार्ड वर्क, उतना डिवोशन। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लेगी, परंतु मीनू के हट के सामने उसकी एक न चली, हट जिद। मतलब मीनू ने ना कह दिया था कि मैं शादी अभी नहीं करूंगी, इसलिए नीलिमा के सामने मीनू की एक न चली और मीनू ने मना कर दिया शादी के लिए। कुछ देर तक दोनों बैठी इधर उधर की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई। नीलिमा के ये शब्द कि अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं, तेरी ही तारीफें करते रहते, बार बार मीनू के हृदय के तार झंकृत कर देते। तार झंकृत करना, जिसे वायलिन रहता है उसके बहुत सारे जो वायलिन की तार वायर्स रहते हैं, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है उसी तरह कहा गया है कि मीनू का जो हृदय है उसमें जो तार है वह बजने लगे। ओके, तो मतलब ज्यादा सोच रही है, खुश भी हो रही है, आखिर वह भी तो एक लड़की है, इसलिए वो सोच सोच के एक तरह की अजीब सी उसे खुशी भी हो रही है कि कोई उसकी तारीफ करता है। ये सोच के हर लड़की अपनी प्रशंसा तारीफ सुनकर प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटे बदलती रही और नीलिमा, करवटे मतलब बहुत बार ये शब्द आया है, सोते समय हम लोग साइड चेंज करते रहते हैं जब नींद नहीं आती है, दैट मीन्स करवटे। नीलिमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। गूंजना मतलब इको होना, जैसे कानों में बार बार वही बज रहा था कि अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, ये वाले शब्द। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उससे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पड़े। इसी उधरबुन में उसे नींद आ गई। कहीं ना कहीं नीलिमा की बातें सुनकर एक बार वह फिर क्या सोचने लगी, वह ये सोचने लगी कि वह जो लक्ष्य, जो गोल लेकर चली है, क्या वो उसके उसे कंटिन्यू करे, कंटिन्यू उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करती रहे, या फिर उसे बीच में ही छोड़कर उसे शादी कर लेनी चाहिए। अगेन वो थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, बट फिर भी वो बहुत डिटर्मिनेंट थी कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करती रहेगी और आगे पढ़ाई जारी रखेगी। और इसी उधरबुन में, इसी सोच में उसे नींद आ गई। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 15। Keep learning. Bye-bye.